हम तो परेशान हो गए थे, फिर फरहान ने बताया कि उसकी तबीयत बेहतर है, तो कुछ सुकून आया। जी बस क्या बताऊं, बैठे बिठाए अचानक से मुसीबत आन पड़ी। बिल्कुल, परेशानी की बात तो है, अगले हफ्ते उसकी शादी है और ये हादसा। मुझे तो लगता है कि उमैर की शादी तो नहुसत के जेरे असर ही है। जब भी शादी की बात करो तो कुछ ना कुछ परेशानी हमारे घर ही आ पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि उर्वा और उमैर के सितारे ही नहीं मिलते। देखे ना, अब इन लोगों की शादी का जिक्र हो रहा है तो हमारे साथ बुरे पे बुरा ही होता जा रहा है। इन लोगों के साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता, हमारे साथ ही होता है। हमारे तो अब्बा भी चले गए। अंबर, ये क्या कह रही हो तुम? भाई साहब तो बहुत अरसे से बीमार थे। बीमार थे, लेकिन हमारे सर पे उनका साया तो था ना। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, पर अब यकीन होता जा रहा है। आपकी ये बेटी ना सब्स कदम है। सोच समझ कर बात करो अंबर, बिला वजह किस्मत और इत्तफाकात को नौसत का रंग देकर उर्वा पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। अरे तुम लोग क्या यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हो? अरे नहीं भाभी, हम तो उमेर की खैरियत पूछने आए थे। अरे खैरियत इस तरह पता करते हैं, हैं? हमें परेशान कर कर देख नहीं रहा कि पहले हम कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, ये पता कर रही हो हमारी खैरियत? वाह भाई वाह, इन्हें क्या फिक्र हमारी तकलीफ की। बोला था ना मैंने आपको, वजीफे करे, दिन रात वजीफे करे या मन्नत मांग ले, वरना इस नहुसत की वजह से ना हमारी सारी खुशियां चली जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और अब देख लिया ना आपने, फिर शादी तय हुई और इधर नहुसत शुरू। अंबर बस, अच्छा तब सुन नहीं रहे, ये बार बार एक बात दोहरा रही है। हाँ करूंगी, बार बार करूंगी, क्योंकि हकीकत तो यही है ना, मनहूस है तुम्हारी बेटी। अंबर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ ये लड़ाई झगड़े की बातें क्यों कर रही हो तुम? अक्ल से काम लो, पढ़ी लिखी हो, और ये सब क्या हो रहा है? हकीकत ही तो है, नहुसत है ये लड़की। क्यों इतनी बेअकली वाली बातें कर रही हो तुम? मैं तो हूँ ही बेअकल। अकलमंद तो वो लोग होते हैं ना जो अपना मतलब पूरा करते हैं और फिर उसके बाद अपनी आंखें माथे पे रखते हैं। फरहान सुन रहे हो ना अपनी बीवी की बात? अम्मी अम्मी प्लीज आप चुप हो जाना। अंबर क्या हो गया तुमको? तुम अपनी माँ को क्यों नहीं चुप कराते? उनका मुंह बंद कराओ ना, उनको मेरे अलावा सब लोग सही लगते हैं। अंबर मेरी बात बस कर, मैं जानती हूँ इसको अच्छी तरह से, इसके मिजाज को भी समझती हूँ मैं। ये मौका नहीं, वरना मुझे भी सुनाना आता। अच्छा ठीक ठीक, चलो तुम यहाँ से चलो, बहुत हो, चलो यहाँ से। भाभी